नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बुटोलिया आज आपको बताऊंगा चक उपजाति, जो कि खटीक जाति का ही हिस्सा है, उसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सभी जातियों में स्थान और व्यवसाय के कारण उपजातियां बन जाती हैं। इसी तरह से खटीक जाति में भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग उपजातियाँ पाई जाती हैं। चक समाज का जो पुश्तैनी कार्य है वो बकरा पालना, बकरा काटना, मांस बेचना, खाल और ऊन बेचना रहा है। अगर हम अपवाद के रूप में देखें तो सूप बनाना, छलनी बनाना, ढोलक मढ़ना भी रहा है। ये बुंदेलखंड में चिकवा और कानपुर आगरा बरेली मंडल में चिक पुकारे जाते थे। 1950 के आसपास इस समाज के तत्कालीन महान समाजसेवी स्वर्गीय भैरव प्रसाद उर्फ महाशय जी ने चिकवा चिक के बजाय चक लिखने की शुरुआत की, क्योंकि वे चाहते थे कि चिकवा और चिक को जोड़कर चक बनाकर समाज में एकता लाई जाए। लंदन के गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब के भाषण से प्रभावित होकर ब्रिटिश शासन ने तब तक प्रेस्ट क्लासेज कही जाने वाली अछूत जातियों को इंडिया एक्ट 1935 में अनुसूचित जातियां पुकारे जाने का संवैधानिक दर्जा दिया। उनको प्रगति के विशेष अवसर देने के लिए जब 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश सरकार ने भारत की अनुसूचित जातियों की सूची पहली बार प्रकाशित की तो उसमें खटीक जाति भी यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के यूपी के लिए अनुसूचित जाति घोषित हुई। तभी से चक समाज सोनकर सूर्यवंशी की भांति खटीक जाति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहा था। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि अनुसूचित जातियों की सूची राज्यवार तो होती है, परंतु किसी भी राज्य को अनुसूचित जातियों की सूची में किसी नई जाति को जोड़ने या सूची से निकालने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि हर जाति में उपजातियाँ होती हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार या आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कभी भी उपजाति की सूची नहीं बनाई, सिर्फ जातियों की ही सूची बनाई। किस क्षेत्र में कौन सी जाति की कौन सी उपजाति रह रही है, यह स्थानीय राजस्व कर्मचारी, अधिकारी आसपास के लोगों से मौखिक पूछताछ से ही तय करते आ रहे हैं। यानी यूपी के जिन जिलों में चिक या चिकवा रहते चले आ रहे थे, वहाँ उन्हें खटीक जाति का सर्टिफिकेट मिल जाता था। पिछड़ी जातियों यानी गैर अछूत शूद्र जातियों को भी प्रगति के विशेष अवसर देने के लिए जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की तो सभी राज्यों में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए गए, ताकि वे अपने अपने राज्यों के लिए पिछड़ी जातियों की सूची में नई पिछड़ी जातियां शामिल करने या पिछड़ी सूची में गलती से शामिल जाति को निकालने की सिफारिश अपने अपने राज्यों की सरकारों से कर सकें। उल्लेखनीय है कि भारत में पहली बार पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए काकालेलकर आयोग को जवाहरलाल नेहरू ने महाराष्ट्र के कांग्रेसी सांसद काकालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया था। इसे पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। इस आयोग ने पिछड़ों के उत्थान के लिए जबरदस्त सिफारिशें की थी, लेकिन उन्हें ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, उस वक्त देश में पिछड़ी जातियों की हिंदू मुसलमानों इकाई ईसाइयों की राज्यवार सूचियां जरूर बन गई थी हर राज्य में। उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों की सूची बनी थी। मुसलमानों की सूची में क्रमांक 3 पर चिकवा कस्साब भी कहे जाते हैं सम्मिलित किए गए थे, जिनका खटीक जाति के अंतर्गत आने वाले चिकवा से कोई लेन देन नहीं था। हिंदुओं की पिछड़ी जातियों की सूची में ना तो चिक थे, ना चिकवा और ना ही चक। मंडल आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत यूपी की पिछड़ी जातियों की सूची पुनरीक्षित करने का काम जब शुरू हुआ तो तमाम जातियों के संगठन की ओर से आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग इंदिरा भवन लखनऊ में भेजे जाने लगे। कानपुर के झिंझक कस्बे के निवासी और मैनपुरी में कचहरी में एक वकील के मुंशी श्री ओम प्रकाश, जो कि चक समाज के थे, ने 8 नवंबर 1994 को अपनी ओर से व्यक्तिगत हैसियत में आयोग को एक पन्ने का प्रार्थना पत्र देकर लिखा कि हम चिकवा चिक चक कहलाते हैं और बकरा काटने का काम करते हैं। हमारी तरह जो मुसलमान बकरी का काम करते हैं वे चिकवा कसाब हैं।
और पिछड़ी जातियों की सूची में हैं, इसलिए उन्हें पिछड़ी जाति के लिए सब लाभ मिलते हैं। लेकिन चूंकि हम पिछड़ी जातियों की सूची में नहीं हैं, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। श्री ओम प्रकाश ने यह प्रार्थना की कि यूपी की पिछड़ी जातियों की सूची में चक को भी सम्मिलित कर लिया जाए। श्री ओम प्रकाश ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा कि हम खटीक जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति का लाभ वर्षों से प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने फील्ड सर्वे कराया होता तो स्पष्ट हो जाता कि चक चिक चिक व खटीक जाति के अंतर्गत हैं, इसलिए इन्हें पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित करना असंवैधानिक होगा। श्री ओम प्रकाश की प्रार्थना के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को सिफारिश भेज दी कि चक को प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाए। यूपी की तत्कालीन मायावती सरकार ने 1995 में शासनादेश जारी कर चक को प्रदेश की पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया। प्रदेश शासन के इस निर्णय के विरुद्ध संघर्ष हेतु मार्च 1998 में राष्ट्रवादी चक समाज सर्वगीण विकास परिषद का गठन किया गया और विधिवत पंजीकरण भी कंपनीज एंड चिट फंड एक्ट के अंतर्गत कराया गया। फिर 1000 लोगों के हस्ताक्षर से प्रदेश सरकार को मई 2000 में ज्ञापन देकर मांग की गई कि खटीक जाति की चक उपजाति को पिछड़ी जातियों की सूची से बाहर निकाला जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जिलों में वृहद स्तर पर फील्ड सर्वे कराया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि चक चिक और चिकवा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तथा ये खटीक जाति की उपजाति हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग में 3 बार इस प्रकरण को रिपोर्ट भेजने हेतु संदर्भित किया, जिस पर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी यह सिफारिश भेज दी कि चक वास्तव में खटीक जाति की उपजाति है, इसलिए इसे पिछड़ी जातियों की सूची से बाहर निकाला जाए। शासन स्तर पर 4 मुख्यमंत्रियों सर्व श्री राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, सुश्री मायावती, श्री अखिलेश यादव से एसएन चक जी तथा पूर्व विधायक माननीय श्री ब्रजलाल सोनकर जी तथा खटीक समाज के सैकड़ों साथियों सहित कई बार वार्ता की, संबंधित प्रमुख सचिवों आदि से विचार विमर्श किया और यह तय हो गया कि चक को पिछड़ी जाति की सूची से निकाल दिया जाए। अब शासनादेश की भाषा को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। शासन के संबंधित अधिकारी यह शासनादेश जारी करने को तैयार हैं कि चक को पिछड़ी जातियों की सूची से बाहर किया जाता है, जबकि एसएन चक साहब आग्रह कर रहे हैं कि खटीक जाति की उपजाति होने के कारण चक को पिछड़ी जातियों की सूची से बाहर निकाला जाता है, लिखकर शासनादेश जारी किया जाए ताकि चक समाज के किसी भी प्रार्थी को खटीक जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के में कोई भी तहसीलदार, एसडीएम आदि हीला हवाले ना कर सके। चक उपजाति को खटीक जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज करवाया जा सके।